बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स होपफुली यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, क्लास सेकंड ईयर। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पिछले लेसन में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करके उसके इन्वायरमेंट को सरसरी सा देखा था, और आज इंशाल्लाह हम उसके इन्वायरमेंट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे और जानने के लिए कि आज हमारा बेसिकली क्वेश्चन क्या है जो हमने पढ़ना है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। Describe the application window of MS Access. पहला क्वेश्चन ये है कि एप्लीकेशन विंडो यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो लेआउट है, जो वर्किंग एरिया है, जो इसका इन्वायरमेंट है, उसको डिस्क्राइब करना है। और दूसरा क्या है, लिस्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ MS Access एप्लीकेशन विंडो, यानी कि MS एप्लीकेशन विंडो या उसके वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो इन्वायरमेंट है वो कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो लिस्ट की सूरत में आपको दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये क्वेश्चन चूँकि एक बार फिर प्रैक्टिकल सा है, तो जानने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर चलते हैं। मैंने ओपन रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सामने मौजूद है, लास्ट लेसन में मैंने ओपन किया था। तो इसको हम अब पूरी डिटेल के साथ देखते हैं कि किसको क्या कहते हैं। लास्ट लेसन में भी हमने इन चीज़ों को देखा था, लेकिन यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन ही ये पूछा गया है कि इसके इन्वायरमेंट को समझना है, इसकी एप्लीकेशन विंडो को समझना है, तो ये इसका तमाम वर्किंग रीजन जो है ये इसका एप्लीकेशन विंडो कहलाता है। हम इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं कि किसको क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप देख सकें तो टॉप पर जो बार होती है, या किसी भी सॉफ्टवेयर के जो बार होती है, तो इस बार को आप क्या कहते हैं, इस बार को आप टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इस पर आपके डॉक्यूमेंट का या आपके प्रोजेक्ट का टाइटल मौजूद होता है, इसलिए इसको टाइटल बार कहा जाता है। ये तमाम रीजन आपका टाइटल बार कहलाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टाइटल बार के अंदर ही कुछ बटन्स होते हैं, इन बटन्स को आप कैप्शन बटन कहते हैं, जो इसके राइट साइड पर बटन होते हैं। ये क्लोज का बटन है, ये रिस्टोर का बटन है, ये मिनिमाइज का बटन है, ये हेल्प का बटन है, इनको कैप्शन बटन कहते हैं। ये इसके राइट साइड पर होते हैं, ये टाइटल बार के साथ ही होते हैं। और इसके लेफ्ट साइड पर ये जो बटन आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसका लोगो नज़र आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, उसके साथ सेव का बटन है। ये तमाम बटन क्विक एक्सेस बटन कहलाते हैं, या क्विक एक्सेस मेन्यू बार भी इसको कहते हैं। मतलब क्विक एक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटन रख सकते हैं जिसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, अगर चाहें यहाँ से हटा भी सकते हैं। डिटेल में जब हो तो वो बताऊँगा, लेकिन यहाँ से आप इनको हटा या लगा सकते हैं मज़ीद बटन्स को। यहाँ ईमेल का लगाना चाहते हैं, ये देखें लग गया। यहाँ पर ही इसको रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। एक छोटा सा एरो यहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसके फौरन नीचे आप आएंगे तो इंतहाई अहम बार है, इस बार को आप मेन्यू बार कहते हैं, जिसके अंदर फाइल है, होम है, क्रिएट है, एक्सटर्नल डेटा है, डेटाबेस है, फील्ड है, टेबल है। तो हर मेन्यूज, इनको इंडिविजुअली आप मेन्यूज या टैब्स भी कह सकते हैं। ये फाइल का टैब है, इसकी अपनी कुछ मजीद सब मेन्यूज आ जाते हैं फाइल के टैब के, फाइल मेन्यू के आगे मजीद सब मेन्यूज आ जाते हैं जब आप इस पर क्लिक करते हैं। इसी तरह जब आप होम पर क्लिक करते हैं तो इसके यहाँ नीचे जो बार आती है, इस बार को अमूमन हम प्रॉपर्टी बार या रूबिन भी कहते हैं। ये आपके मेन मेन्यू बार में से हर एक टैब या मेन्यू की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। जब मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा, यहाँ देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ये सारी बार जो है ये प्रॉपर्टी बार कहलाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हिस्सा है आपका, ये सारा क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी बार। और हर एक मेन्यूज की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। एक्सटर्नल डेटा पर क्लिक करूंगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर आपको नजर आ रही है। डेटाबेस टूल पर क्लिक करूंगा तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी बेसिकली कहा जाता है जायदाद को, तो मुराद ये कि इस सब का ताल्लुक जो है इस टैब के साथ है या इस मेन्यू के साथ है। फील्ड्स पर जब क्लिक करूंगा तो इसकी अपनी अलग से प्रॉपर्टीज यहाँ आपको अपीयर होकर नजर आ रही है। टेबल पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर टेबल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ओपन होकर नजर आ रही हैं। इस पूरी बार को आप क्या कहते हैं, मेन्यू बार। इन बार्स को क्या कहते हैं, इस बार को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी बार। और प्रॉपर्टी बार का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी मेन्यू बार से। स्टूडेंट्स, उसके बाद है स्क्रॉल बार होती है एक, इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि ये मैंने पहले बनाया हुआ है। टेबल्स मैंने दो बनाए हुए हैं, इसमें एक लास्ट टाइम बनाया था आपको समझाने के लिए। तो अगर इसके अंदर ज़्यादा डेटा हो, बेसिकली स्क्रॉल बार क्या होती है, अगर आपका ये वर्किंग रीजन स्क्रीन पर फिट ना हो रहा हो तो उसको अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार होती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 टीचर का रिकॉर्ड डाला है, तो इसलिए ये 3 टीचर यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ समा सकते हैं, स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है इनको। लेकिन मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में इसकी फंक्शन ज़रूर समझा देता हूँ कि स्क्रॉल बार का क्या फंक्शन है।
पावर पॉइंट भी ओपन है उसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बार है इस बार को आप स्क्रॉल बार कहते हैं। ये बेसिकली आपकी इन पेज या स्लाइड्स को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये स्क्रॉल बार, ये वाली बार। तो इस बार को आप स्क्रॉल बार कहते हैं। मैं लेक्चर नंबर 4 पर आ जाता हूँ यहाँ से, सॉरी लेक्चर नंबर 5 पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी। आई थिंक ये लेक्चर नंबर 4 है, दिस इज लेक्चर नंबर 5। तो यहाँ पर भी मौजूद हूँ। स्क्रॉल बार की यकीन आपको समझ आ गई होगी, स्क्रॉल बार भी इसे स्क्रॉल बार भी कहते हैं। अपने माउस का जो गोल टायर होता है उसको भी ऊपर नीचे घुमाने से ही ये बार काम करती है, और यहाँ से पकड़ कर आपने कर्सर के साथ पकड़ कर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपका वर्किंग रीजन है। यहाँ पर टेबल्स हैं, ये हम जब बनाएंगे तो यहाँ से, चूँकि जब बनाते हैं तो ये प्रॉपर्टी बार्स का इस्तेमाल होता है, हम जब प्रॉपरली इस पर काम करेंगे तो ये भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। अब पहले तो इसका एनवायरनमेंट समझ लेते हैं। उसके बाद हम नीचे जब आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ जहाँ पर नज़र आ रहा है शीट व्यू, ये जो पूरी पट्टी आपको बॉटम पर नज़र आ रही है इस पट्टी को आप कहते हैं स्टेटस बार। बेसिकली स्टेटस बार क्या करती है, स्टेटस बार आपको अपने वर्किंग रीजन के मुताबिक स्टेटस दिखा रही होती है कि कौन सी चीज़ ओपन है, कौन सी चीज़ क्लोज है, कौन सा बटन कीबोर्ड का इस वक्त प्रेस है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल मैं कैप्स लॉक को कीबोर्ड के बटन से प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कैप्स लॉक लिखा हुआ आएगा, ये देख लीजिए कैप्स लॉक। ये आपको पूरा स्टेटस बता रही है कि इस वक्त कौन सा बटन क्लिक है। फॉर एग्जाम्पल कैप्स लॉक का मतलब ये है कि आप जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो भी वर्ड लिखूंगा वो कैपिटल लिखा जा रहा है, देखिए ये लिख रहा हूँ, ये नज़र आ रहा है आपको। तो ये कैप्स लॉक ऑन है इसलिए ये है, यहाँ पर वो उसका स्टेटस भी नज़र आ रहा है। अगर मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर दूंगा यहाँ पर इसका स्टेटस ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह इस बार को आप क्या कहते हैं, इस बार को हम स्टेटस बार। स्टूडेंट्स ये इसका एप्लीकेशन विंडो थी, ये इसकी एप्लीकेशन विंडो थी, और जो जो चीज़ें यहाँ मौजूद थी उनको मैंने कोशिश की है कि ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, जितना प्रैक्टिकल होगा इसका, जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही सीखेंगे। और आपको पता भी है कि मेरा ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पर होता है, और मैंने क्लास में भी इसका इजहार किया था कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको प्रैक्टिकली बनाया जाए। तो बहरहाल लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मुतासर हुई, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि जितना हो सका मैं प्रैक्टिकल ज़रूर बनाऊँगा आपको, क्योंकि कंप्यूटर का शोबा प्रैक्टिकल है। थ्योरी की अहमियत ज़रूर है, हर शोबे में अहमियत ज़रूर होती है थ्योरी की, लेकिन कंप्यूटर के शोबे में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल की अहमियत है। और मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि अगर आप फिज़िकली कोई मसला आ रहा है क्लासेस लेने में, तो आप ये यूट्यूब का जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाऊँगा। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ें आज हमने सीखनी थी, और ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी। हमने एप्लीकेशन विंडो का व्यू देख लिया, उसको डिस्क्राइब भी कर लिया, लिस्ट की सूरत में दिखा दिया कि ये मेन्यू बार है, ये प्रॉपर्टी बार है, ये टूल बार है। और होप सो आपको आज की लेसन की समझ आई होगी। हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको फोरम का पता है किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स की सूरत भी पूछ सकते हैं। जहाँ पर ये लेक्चर सुन रहे हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मुझे याद रखिएगा, अल्लाह आपका होने वाला सर।